હાલમાં ગુજરાત માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા જાહેર કરેલા ધોરણ 10 બોર્ડના પરિણામમાં વલસાડ જિલ્લામાં વાપી ખાતે આવેલ સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલની પેપર સોલ્વિંગની કળાના કારણે 18 વર્ષ બાદ આ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ જિલ્લામાં ટોપર બન્યા છે. વાપીની સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલનું ધોરણ 10નું પરિણામ 99.15% જેટલું ઊંચું આવતા આ પરિણામ વલસાડ જિલ્લામાં સૌથી વધુ રહેવા પામ્યું છે અને આ સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓ બુરગના પવનકુમાર, નિકુમ પ્રથમ તથા જૈન ખુશી જિલ્લામાં ટોપર બન્યા છે. જો કે વલસાડ જિલ્લામાંથી 18 વર્ષ બાદ ધોરણ 10ના પરિણામોમાં ઝળહળતી સફળતા મેળવનાર સેન્ટ ફ્રાન્સિસ સ્કૂલના સંચાલક એનવી કુટીના જણાવ્યા મુજબ આ વર્ષે સ્કૂલમાં અગાઉના બોર્ડની પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્રો તથા સ્કૂલ તરફથી બનાવવામાં આવેલા પ્રશ્નપત્રોને વાંચન સમય દરમિયાન તે તમામ પ્રશ્નપત્રોના વિદ્યાર્થીઓ પાસે જવાબ લખાવવાની પદ્ધતિ અમલમાં મૂકી હતી, જેના કારણે સ્કૂલે આ ઉપલબ્ધિ મેળવી છે. एग्जामिनेशन का जो परिणाम घोषित हो गया सेंट फ्रांसिस हाई स्कूल का तरफ से 236 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10th स्टैंडर्ड का मार्च 2018 का बोर्ड एग्जामिनेशन लिखा गया था, उसी में से 234 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास होके 99.15% का तरफ से स्टूडेंट्स पास हो गए. प्रथम स्थान पर बुरागना पवन कुमार जिन्होंने 600 में से 576 मार्क्स स्कोर करके स्कूल का प्रथम स्थान ग्रहण किया गया. और जितना भी जो जानकारी है मेरा, उनमें से 576 मार्क्स फिलहाल अनबीटेबल है इन वापी. अभी वलसाड़ डिस्ट्रिक्ट का तो शायद मेरा जितना भी जानकारी में है वो तो प्रथम स्थान में तो है ही. जिन्होंने 96% स्कोर किया गया, उनका पर्सेंटल रैंक है 99.97. जो दूसरा स्थान पर है निकुम प्रथम, जिन्होंने 564 मार्क्स स्कोर किया गया 600 में से विथ 94% एंड 99.84%. जो तीसरा स्थान पे हैं जैन खुशी, 561 मार्क्स आउट ऑफ 600, 93.5%, और उसका परसेंटल रैंक 99.78. तो काफ़ी खुश है. काफ़ी साल से मेरा जो यही हार्ड वर्किंग है जो हमारा शाला का किसी भी विद्यार्थियों जो 95% क्रॉस किया जाए. एक्चुअली क्या ना, पिछले काफ़ी एग्जामिनेशन में जो मैं 94% तक इंडिविजुअल परसेंटेज जो बनाया गया था हाईएस्ट परसेंटेज, पर जो 95% क्रॉस करने के लिए मैं 2 साल से जो मेहनत कर रहा था, जिन्होंने जो बुरागना पवन कुमार जो लाया उनका जो अचीवमेंट, ये मेरा प्रोफेशनल कैरियर में अब तक जो 2004 से लेकर 2018 तक ये जो मेरा इसी शाला से जुड़ा हुआ मेरा जो सर्विस में, ये सबसे बड़ा उपलब्धि है, सबसे बड़ा खुशी का बात है. और ये बात ये भी है, जो 12वीं कक्षा में भी साइंस का जब परिणाम जब बाहर निकला गया था, अंग्रेजी माध्यम में केवल वलसाड़ जिला में एकमात्र विद्यार्थी जो A1 ग्रेड प्राप्त किया गया, वो भी हमारा शाला का है, वो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था. और सेकेंडली जो 10th स्टैंडर्ड का जो 96% आ गया, ये मेरे लिए बहुत बहुत बस मैं भगवान से प्रार्थना कर. सर, आपने कैसा स्टूडेंट के साथ टाइप किया था और कैसे स्टूडेंट्स का, हमने तो जब एक बार बच्चों लोग 9th स्टैंडर्ड में एंट्री हो जाते हैं तो सबसे पहले मैंने टीचर्स लोगों को ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है, अपना अपना जो जो इंटरेस्टेड एरिया है उस सब्जेक्ट विषय पर, कौन सा विषय पर कौन कौन आगे चलते रहते हैं वो पोटेंशियल फाइंड आउट करो, उसी प्रकार का जो नीति बनाया है मैंने. और फरवरी महीने में एक बार जब सिलेबस पूरा होने के बाद उनका जब बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हमने उन्हीं से उनको हर एक विषय का बहुत सारा जो क्वेश्चन पेपर्स, पिछले काफ़ी सालों का क्वेश्चन पेपर्स, अलग अलग स्कूल का क्वेश्चन पेपर्स हमने जो कलेक्ट किया गया, स्कूल पर बिठा कर उन्हीं के साथ में बैठ कर क्वेश्चन पेपर सोल्व करके वी मेड श्योर दैट वन उनका सामने ऐसा कोई सवाल ना आ जाए जिसका जवाब उनको एग्जामिनेशन में मालूम नहीं पड़ेगा. क्या फीचर मूवी देखने के लिए जाते थे, खेलने के लिए जाते थे, क्या था पूरा टाइमिंग और दूसरे लोगों को क्या सलाह दोगे? और टाइम मैनेजमेंट तो ज़्यादातर तो मेरा पढ़ाई में ही गया टाइम, और रिफ्रेश होने के लिए थोड़ा टीवी देख लेता और थोड़ा आधा घंटा बस. और दूसरों से यही है कि हर बार सफलता नहीं मिलती है, भगवान ने कभी ना कभी एक को रखा है कि एक बार आता है वो टाइम कि आप सफल हो ही जाते हैं, मगर बार बार आपको मेहनत करती है करनी पड़ती है. और इस बार प्रिंसिपल सर ने ऐसे एग्ज़ाम्स रखे थे, ऐसे स्मूथली पूरा सिलेबस भी हो गया और प्रैक्टिस भी होते रहे और लास्ट की जो प्रैक्टिस सेशन थी उसके वजह से हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बोर्ड. प्रैक्टिस सेशन में आपने क्या किया खास करके लास्ट टाइम जब भी कोर्स पूरा होता है
इसके बाद जो प्रैक्टिस किया इसमें क्या मेथड से किया? पेपर सॉल्विंग थे। कितना पेपर सॉल्विंग करे, एक एक विषय में कितना किया? रोज दो पेपर रहते थे दो सब्जेक्ट के। इसमें टाइमिंग क्या आप देखते थे? टाइमिंग, हाँ टाइमिंग रहते थे। और सर ने राइटिंग पार्ट का रहता है सर ने वही प्रैक्टिस कराया था, क्योंकि अगर एमसीक्यू में तो फुल मार्क्स आ जाते हैं मगर राइटिंग्स में थोड़ा कट जाते हैं, इससे सर ने वो पूरा पक्का करवाया। साइंस में 100 में से 100 है, इसके लिए तुम्हारी क्या कहेंगे इसके बारे में? यस यस सर, प्रिंसिपल सर ने भी पूरा साइंस का पेपर वो दिया था, और स्टार्टिंग से स्मिता कुरुक जो हमारी साइंस टीचर है उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे को पकड़ के रखा, तू कर सकता है तू कर सकता है। हालांकि मेरा पेपर, मेरी राइटिंग स्पीड इतनी नहीं थी, वो पेपर ख़त्म नहीं होता था, मगर टीचर ने हर बार बोला कि तू कर सकता है और आखिरकार मैं 100 ला दिया, और इसका क्रेडिट मैं स्मिता टीचर को देना चाहूँगा। मैं थर्ड फेज वापिस संध्या ऑर्गेनिक कंपनी में प्रोडक्शन इंचार्ज के हिसाब से सर्विस करता हूँ। मेरा लड़का सन फ्रांसिस स्कूल में पढ़ता है, इस बार 94% और सेकंड रैंक आया है, तो पूरा क्रेडिट मैं स्कूल को देना चाहता हूँ, स्कूल प्रिंसिपल सर और जो होल स्टाफ टीचर्स है, क्योंकि नर्सरी से उन्होंने पूरा फाउंडेशन तैयार किया उन्होंने, और सब्जेक्ट वाइज वगैरह सभी तैयारी करवाई। और दूसरा क्रेडिट मैं मिसेज को भी देना चाहता हूँ कि मिसेज भी नर्सरी से कैसे पढ़ाई करना है, क्या टाइम, क्योंकि मैं तो ड्यूटी पे बिजी रहता हूँ नौकरी में, और घर पे पूरा जो सन का तैयारी है वो सब मिसेज ने करवाया, और स्कूल टीचर वगैरह हर टाइम हेल्प करते थे, जो सब्जेक्ट नहीं आता था कोई अटक जाता था, क्योंकि मैं मिडिल क्लास में इसलिए ट्यूशन भी अफेक्ट नहीं कर सकता हूँ।